Hey, what's up YouTube? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सब के सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अभी। और फ्रेंड्स, आपको पता है बाइनरी और फॉरेक्स मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, बहुत सारी चीजें, यहां से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको इसी एक चैनल पे मिलेंगी। तो यार, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो अगर बिल्कुल नए हो तो। चलिए इस वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, बायनमो के बारे में आपने सुना ही होगा। बायनमो एक ट्रेडिंग की कंपनी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां से नहीं है, बेसिकली रशिया से है। तो वहां पे बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं, सजेशंस, फीडबैक्स। और इससे रिगार्डिंग एक लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि बायनमो ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन कैश नाम का एक ऑप्शन। तो बेसिकली उसके बारे में ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया था। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अब जो है, मैं एग्जैक्टली उसको फुल एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हम लोगों के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वीजा, मास्टर कार्ड्स के ऑप्शंस रहते हैं, जब हम डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बाइनरी ऑप्शंस। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वीजा या मास्टर कार्ड नहीं होते, जहां पे रुपए कार्ड से डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो गाइस, ये वीडियो ना उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड है, लास्ट तक देखना। बायनमो ने यूजर्स की इस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, कुछ हमारे फीडबैक्स और कुछ बाकी सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए यूजर्स के लिए एक इंडियन कैश के नाम से ऑप्शन लेके आए हैं, जहां पे आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हो वेंडर्स के थ्रू, इनके स्टोर्स के थ्रू, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। अब यूजर्स के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम यहां पे कैसे डिपॉजिट करेंगे, मिनिमम लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, या डिपॉजिट या विड्रॉ में भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ब्रीफली समझाया था, लेकिन यहां पे हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। बट इस वीडियो में हमारे पास एक अपडेट आया है बायनमो की तरफ से, डेफिनेटली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहां पे मुझे पता लगा है, बिकॉज डिपॉजिट की जो मिनिमम लिमिट है या फिर मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी होगी। तो गाइस, एक चीज जो है मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो लोग हैं जिनको जो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड से डिपॉजिट करना चाहते हैं लेकिन हल्की सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस हो जाती है कई बार, और कुछ लोग हैं जो रुपए कार्ड है जिनके पास और वहां से वो डिपॉजिट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ना अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बिना चिंता के आप टैक्सेस फ्री, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। यहां पे जो टैक्स है वो बायनमो वाले पे करेंगे बैंक्स को, आपको यहां पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डायरेक्टली आपको करना क्या है, जाना है बायनमो के इंटरफेस पे, डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाके वहां पे आपको एग्जैक्टली एक ऑप्शन मिलेगा इंडियन कैश के नाम पे। वहां पे जाके आप मिनिमम 2000 रुपीज का डिपॉजिट कर सकते हो। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिली है। तो यार, लाइक जरूर कर देना, वीडियो को हिट कर देना लाइक बटन को, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो गाइस यार, सबसे पहले मिनिमम डिपॉजिट की जो वैल्यू थी वो थी 5000, लेकिन उसको अपडेट करके अब बायनमो ने कर दी है 2000 रुपीज। मतलब अगर आपके पास 2000 रुपए हैं, आप डिपॉजिट करना चाहते हैं बायनमो जैसी एप्लीकेशन में, और अगर आपके पास रुपए कार्ड है या आपके पास वीजा मास्टर कार्ड है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सॉल्यूशन यहां पे आपको मिल रहा है। आप सीधा कर सकते हैं एग्जैक्टली, आप डिपॉजिट इंडियन कैश वाले ऑप्शन पे जाके डायरेक्टली 2000 रुपीज की विड्रॉ जो डिपॉजिट जो है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर। अगर आप नॉर्थ जोन से हैं, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है कॉल आएगा बायनमो की तरफ से, और वहां पे आपसे जो है सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके एरिया के नियरेस्ट वेंडर से आपको मिला दिया जाएगा। वहां पे आपको पैसे देंगे और डायरेक्टली जो अमाउंट है वो आपके बायनमो के अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम केस अगर आते हैं विड्रॉ के ऊपर, एग्जैक्टली कोई ट्रांसपेरेंट अमाउंट अभी तक नहीं बताई गई या कोई पॉलिसी नहीं शो की गई है बायनमो की तरफ से कि यहां से मिनिमम विड्रॉ आप कितना ले सकते हैं। लेकिन अगर जहां तक कि पहले की बात करें, जब ये इंडियन कैश का ऑप्शन 2-3 दिन पहले ऐड हुआ था बायनमो के ऊपर, तो यहां पे एक रूमर है कि 15,000 रुपीज का मिनिमम डिपॉजिट, माफी चाहूंगा, विड्रॉ आप यहां से ले सकते हैं। डिपॉजिट 2000 रुपीज का और अगर विड्रॉ लेंगे तो 15,000 रुपीज का। लेकिन अभी 15,000 रुपीज का क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी बायनमो की टीम इस पे वर्क कर रही है और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और डिपॉजिट के सेम केस जो है वही विड्रॉ का केस होगा। मतलब अगर आप यहां से विड्रॉ लेना चाहते हैं तो क्या करना है, सिंपली आपको डिपॉजिट विड्रॉ के ऑप्शन पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको इंडियन कैश का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाना है इंडियन कैश के ऑप्शन पे। वहां पे आपको 15,000 रुपीज है जो भी अमाउंट है उसका विड्रॉ डालना है फॉर 24 आवर्स के अंदर अंदर। अगर आप नॉर्थ जोन से हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको विड्रॉ मिल जाएगा। क्वेश्चन आएगा अगर हम साउथ जोन से हैं तो क्या होगा। तो भैया, अगर इंडिया के साउथ जोन में आप रहते हैं और अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस होगी 48 आवर्स में, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर बायनमो से आपको कॉल आएगा, नियरेस्ट वेंडर या लोकेशन आपको बता दी जाएगी, और चिंता करने के
की बात नहीं है, हर एक गांव सिटी में अवेलेबल है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है पैनमो का, बहुत दिनों से, बहुत टाइम लगा इस नेटवर्क को बिल्ड करने में, लेकिन ये काफी दिनों से लगे हुए हैं इस नेटवर्क को बिल्ड करने में। और फिलहाल इस मूवमेंट की बात करें तो इनका नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में सेटअप है। तो अगर आप कोई भी छोटे से छोटे विलेज से हो, बड़े से बड़े शहर से हो, मिड टाउन से हो, आपका जो प्रोसेस है विड्रॉ जरूर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। लोग लीगलिटी पे इशू करते हैं, सवाल उठाते हैं और बहुत सारी चीजें कि इंडिया में लीगल है या नहीं, टैक्सेस कैसे पे होंगे, लेकिन यहां पे बायनमो ने जवाब दे दिया उन सारे कस्टमर्स को कि यहां पे कोई ऐसा सवाल नहीं उठता लीगलिटी का, हम आपको डायरेक्टली कैश आपके घर पे प्रोवाइड करा के जाएंगे। तो इसीलिए गाइज ये जो है डाउट्स काफी सारे हैं, इससे रिगार्डिंग और भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, जहां पे अगर जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलता है इंडियन कैश के बारे में। लेकिन एक और चीज है, ऐसा ही अगर मैं ओलिम ट्रेड, मैं सजेशन देना चाहूंगा ओलिम ट्रेड को भी, ओलिम ट्रेड आईक्यू ऑप्शन, अगर कोई ये वीडियो जहां तक पहुंचती है अगर उन लोगों को पता लगता है इस वीडियो के बारे में, तो सर मैं आपको सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि बायनमो ने जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया है उसी तरीके से हर एक बायनमो, हर एक बाइनरी एप्लीकेशन में ये जो चीज है वो मस्ट होनी चाहिए, इंडियन कैश का जो ऑप्शन है वो मस्ट पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। एक और इनसाइड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सिर्फ हमारे चैनल पे, सबसे पहले बायनमो वर्कआउट कर रहा है एक बैंक के ऊपर, यानी पेमेंट बैंक सिस्टम बनाने वाला है, जिस तरीके से पेटीएम का एक बैंक सिस्टम है, ताकि जो ट्रांजेक्शन होंगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन होंगे सिर्फ बायनमो के बैंक के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि अलग अलग बैंक में जो है अकाउंट खुला के रखते हैं और जिनका स्विफ्ट कोड का बहुत ज्यादा इश्यू आता रहता है, या फिर इश्यू आता है अगर आप बड़े विड्रॉल लेते हो, तो ये सारी भी चीजें खत्म होने वाली है। लेकिन ये प्लान अभी वर्कआउट हो रहा है, पता नहीं कितने महीने लगे इस प्लान को रनिंग में यानी लाइव होने में, लेकिन ये चीज जो है जरूर आने वाली है आप लोगों के पास, यानी कि आपको जैसा कि मैंने वादा किया था चीजें बहुत आसान हो जाएंगी ट्रेडिंग से रिलेटेड। और आई नो अगर मुझे लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन, जैसे पॉलिटिशियन जो है वादा करते हैं बट मोस्ट ऑफ दी पॉलिटिशियंस उसको निभा नहीं पाते, बट नॉट इन दिस केस गाइस, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज एंड हमेशा आप लोगों के लिए ही यहां पे हूं। और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है बाइनरी से रिलेटेड एज वेल एज फॉरेक्स से रिलेटेड। गाइस यार चलिए वीडियो को जो है विराम देते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, यानी यहीं पे फिनिश करते हैं। एक और चीज यार, चैनल पे नए हो ना सब्सक्राइब करके जाना, लाइक उम्मीद करता हूं आपने कर ही दिया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी यार शेयर करके जाना, ताकि उम्मीद होगी कि यार बायनमो से जो प्लेटफॉर्म का जो इनिशिएटिव है वो ओलिम तक पहुंचे, आईक्यू तक पहुंचे और चीजें चेंज हो, आसान हो आप लोगों के लिए। और यार कमेंट करना टेक्निकल, हैशटैग टेक्निकल अभी, ताकि पता लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो अपने भाई को। चलिए गाइस यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।